सभी किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 5 दिसंबर 2021, वार है रविवार। बात कर लेते हैं किसान मित्रों इंदौर की साप्ताहिक समीक्षा की। इंदौर की साप्ताहिक समीक्षा में किसान मित्रों प्याज की संपूर्ण नासिक और देसी प्याज की आपको जानकारी दी जाएगी। किसान मित्रों, इंदौर मंडी में, इंदौर की चौतरा मंडी में आपने देखा होगा, जो गया सोमवार है, यानी कि अभी जो 7 दिन पहले की बात हो रही है, गए सोमवार को किसान मित्रों आवक की अगर बात करें तो आवक सामान्य 50-60 हज़ार कट्टे के लगभग देखने को मिली थी। उसमें देसी प्याज भी आ गया, नासिक प्याज भी आ गया। उसके बाद किसान मित्रों, जो नासिक प्याज है वहाँ अच्छे रेट में बिक रहा था, खूब अच्छे रेट में, 2400-2500 के समथिंग रेट था। देसी प्याज जो था वो 1600-1500 रुपये था। मंगलवार आया, मंगलवार किसान मित्रों जो आवक की अगर मैं बात करूं तो 50 हज़ार रुपये आ गई थी। नासिक प्याज वही 2400-2500 रुपये, देसी प्याज 1500-1600 रुपये। बुधवार आया, बुधवार को आवक रह गई 45 हज़ार कट्टे की इंदौर मंडी में, भाव पूरा सेम। गुरुवार आया, गुरुवार के दिन वही 200 रुपये की तेज़ी नासिक प्याज में और 200 रुपये की तेज़ी देसी प्याज में देखने को मिली। 17-18 तक प्याज बिका, देसी प्याज आवक वही 45 हज़ार और नासिक प्याज में भी 200 रुपये की तेज़ी बनी। शुक्रवार आया, शुक्रवार के दिन किसान मित्रों देसी प्याज 2200-2300 तक बिका इंदौर की चौतरा मंडी में, नासिक प्याज 2750 रुपये बिका। शनिवार जैसे ही आया किसान मित्रों, पता नहीं क्या होता है किसानों के साथ, इतना ज़्यादा जैसे ही भाव देखा कि टूट पड़ते हैं मंडियों की तरफ। यही सबसे बड़ी गलती हम किसानों की। शनिवार जैसे ही आया 1,20,000-25,000 कट्टे देखने को मिले इंदौर की चौतरा मंडी में। 1500-1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देसी प्याज बिका किसान मित्रों शनिवार के दिन इंदौर की चौतरा मंडी में। वहीं नासिक प्याज की अगर बात करें तो ऊपर में लास्ट पोजिशन 2100 रुपये शनिवार के दिन। तो मेरा कहने का मतलब किसान मित्रों आपसे इतना ही है कि जब थोड़ा सा भाव आप चमकता है, थोड़ा सा भाव, तो आप इतनी जल्दी इतना स्टिक फैसला लेते हैं कि जहां मंडी में 45 हज़ार कट्टे हैं तो 60 हज़ार हो जाएंगे, ज़्यादा 15 हज़ार कट्टे बढ़ जाएंगे। आपने सीधे 1,25 कर दिए, कहाँ 45-50 हज़ार कट्टे, कहाँ 1,25,000, 70 हज़ार कट्टे ज़्यादा। क्या हुआ, जहाँ 2200-2300 रुपये देसी प्याज बिक रहा था वहाँ 1400-1500 रुपये प्रति क्विंटल पे आ गया। नासिक प्याज 2750 था, 2100 पे आ गया। कितना अंतर देखने को मिला आपको भाव में। तो ये अंतर देखने को मिला है मेरे सभी प्रिय किसानों के कारण। आपको भाव चाहिए और आप भाव जैसे आता है उसे वापस से नीचे ला देते हैं आप। उसका मेन कारण है आपकी जो आवक है, वो आप आवक पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी मेरे प्यारे किसान मित्रों से निवेदन है, किसान भाइयों से, कि आवक पे कंट्रोल रखिए। आपका जो ख़राब प्याज हो रहा है तो उसे आप निकालिए, देसी प्याज। अगर आपका प्याज सही है तो उसे धीरे धीरे निकालिए मार्केट में। नासिक प्याज वालों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जिनका नासिक प्याज है, खरीफ की फसल है, वो अपने प्याज को मंडी में पूरा सुखा के ले जाएँ और थोड़ा बड़ा हो जाए प्याज, उसके बाद ही खेत से बाहर करें। आप दूसरी खेती के लालच में कि हम इसमें सरसों वगैरह लगा देंगे, दूसरा प्याज लगा देंगे नेफिट का, उस लालच में आप जल्दी कर रहे हैं खेत को फुर्सत करने की। ऐसा ना करें, उससे आप ही का नुकसान हो रहा है। तो मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है सभी से कि आप अपना ख्याल रखें और जो अपना खेती जो है उसको व्यवस्थित तरीके से करें और अपनी जो फसल है उसको बेचने का एक सिस्टम बनाएं कि अपने को मंडी में 45 हज़ार कट्टे थे, अभी ज़्यादा 10-15 हज़ार कट्टे बढ़ सकते हैं, तो अपन थोड़ा प्याज निकाल दे। अपन पूरा ट्रक भर के ले जा रहे हैं मंडी में, पूरा 400 कट्टे लदा दिए ट्रक के ऊपर और मंडी चले गए, तो भाव तो गिरना है मेरे भाइयों। बुरा यही तो लगता है कि आप लोग क्या है, प्याज मेरे पास पे भी है, अभी भी 40-50 कट्टे पड़े हुए हैं। छोटा किसान हूँ, 11-12 बीघे ज़मीन है, 11.5 बीघे ज़मीन है, छोटा किसान हूँ और 2.5-3 बीघे के प्याज करता हूँ। इस साल 4 बीघे के लगाएँ, यानी कि 2 एकड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा।
तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी फसल को व्यवस्थित, बहुत बहुत मेहनत लगती है ना फसल बड़ी बड़ी करने में, ठंड में जाना पड़ता है, रात बेरात मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता नहीं होगा, मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। 2012 में मैं खेत में आया था काम करने के लिए, और मुझे रसल वाइपर ने डस लिया था किसान मित्रों। तो रसल वाइपर के डसने के कारण मेरे 12 लाख रुपए लगे थे चोइत्राम हॉस्पिटल इंदौर में, वहीं चोइत्राम मंडी के बगल में हॉस्पिटल है चोइत्राम हॉस्पिटल, उसी में 12 लाख उसमें लगे। 3,65,000 का मैंने पाँव डलवाया, तो 15-16 लाख रुपये, 11-11.5 बीघे ज़मीन में आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा। फिर भी जैसे तैसे किया। तो किसान मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इतनी मेहनत करते हैं और मेरा घुटने के ऊपर से पाँव कटा हुआ है, मैं चल रहा हूँ हाईटेक पाँव पहनकर, तो आप अपना ध्यान रखें, सावधानी रखें। अभी कोरोना बढ़ रहा है, शादी विवाह में जाने से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने खेत पर जाएं तो पूरे ऊपर वाले जूते पहन कर जाएं। अभी 400, 450 रुपये के जूते आ रहे हैं लाइलून वाले, या आप बांटा के पहने तो उसमें पानी में उतरना पड़ेगा, तो बांटा का काम देगा नहीं, इसलिए आप लाइलून के पहने। किसानी संबंधित लाइलून के जूते ही काम देते हैं, वो पहनकर जाएं खेत पे पानत करने, अपनी फसल बेचें, सोच समझ कर बेचें, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, उस हिसाब से आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से आप काम करें और समझदारी से काम करें। कुछ भी फैसला लेना है, बेचने का नहीं बेचने का, वो समझदारी के साथ लें। वीडियो पसंद अगर आया हो तो ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं है आया हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो कल वीडियो आएंगे, करीबन 4 से 5 वीडियो आएंगे, और दो तीन वीडियो 3 बजे तक फाइनल वीडियो भी आएंगे, तो यानी इस टाइप से 6-7 वीडियो हो जाते हैं एक दिन के। और अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा हाथ इधर वाला है, इस हाथ में कैमरा था, मोबाइल था, पूरा थक चुका है, फिर भी आपके लिए बोलना बंद नहीं हो रहा है। उसका कारण है आप लोगों से इतना प्रेम है और आपका सपोर्ट भी है मेरे साथ बना हुआ है, तो इसलिए आपके साथ। बहुत सारे मेरे वीडियो आते हैं उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखता है, और बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें चेहरा दिखता है। चेहरा जिस वीडियो में दिखता है उसमें आप मेरे को कम पसंद करते हैं, जिसमें चेहरा नहीं दिखता है उसमें आप ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चेहरे के ऊपर मत जाइए, आप उस पर जाइए कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है और किस हिसाब से बात कर रहा है। आप अगर चेहरे पर जाएंगे तो मज़े नहीं आएंगे। चेहरा तो काला है मेरा, चेहरे पर मत जाइए। कृष्ण भगवान का भी काला ही रंग था, लेकिन समझ बहुत थी। तो किसान मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है कल का, उसको आप समय से देख सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक बटन पे लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सिर्फ हाथ लगाना है और कुछ नहीं करना है। कमेंट में तो समय लगेगा, लेकिन लाइक में आपको समय नहीं लगता है, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।